भारत सरकार के जिन नए आईटी कानून को लेकर तमाम सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने विरोध किया था, उसी आईटी कानून के तहत एक महीने में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप ऐप अकाउंट्स पर बैन लगा है। व्हाट्सएप ऐप ने कहा कि उसने 15 मई से 15 जून के बीच नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को लेकर बैन लगाया है। व्हाट्सएप ऐप ने यह पहली कंप्लेंस रिपोर्ट है। आपको बता दें कि फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ऐप ने कहा कि एक महीने के अंदर उसने 80 लाख ऐसे अकाउंट्स पर बैन लगाया है जिनके मोबाइल नंबर का देश कोड +91 है। बता दें कि यह कोड भारत का है। व्हाट्सएप ऐप ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर उसने जितने अकाउंट बैन किए हैं उसमें 25% अकाउंट भारत के हैं। व्हाट्सएप ऐप ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर हर महीने औसतन 80 लाख अकाउंट्स बैन किए जाते हैं। व्हाट्सएप ऐप ने इन अकाउंट्स पर बैन नुकसान पहुंचाने वाले, परेशान करने वाले कंटेंट को लेकर लगाया है। उदाहरण के तौर पर इन अकाउंट को बैन किया गया है जिनके जरिए लोगों को थोक में स्पैम मैसेज भेजे जा रहे थे। इसके अलावा उन अकाउंट्स पर भी बैन लगाया गया है जिन्हें लोगों ने अनचाहे मैसेज को लेकर शिकायत की है। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनकी पहचान आपत्तिजनक मैसेज भेजने के रूप में हुई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ऐप की पहले से ही कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है और नए आईटी नियम के बाद कानून पहले से भी सख्त हो गया है, ताकि आप लोगों को थोक में या स्पैम मैसेज भेजते हैं तो आपके अकाउंट्स को बैन किया जा सकता है। इसके अलावा अहिंसा भड़काने वाले आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।